इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए CBSE ने कहा कि 10वीं और 11वीं के 5 सब्जेक्ट में जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों के रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 11वीं के नंबर को 30-30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मामले में सुनवाई अभी जारी है, इस पर आखिरी फैसले के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE और ICSE दोनों बोर्ड ने कहा है कि परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले के साथ वैकल्पिक परीक्षाओं का समय भी बताया जाएगा। यदि एडवोकेट विकास सिंह कोई सुझाव देते हैं तो उन पर विचार किया जा सकता है। दोनों बोर्ड स्कीम लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुनवाई की अगली तारीख पर वे हमें इस बारे में बताएंगे, यह कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने 1 जून को देश भर में 12वीं बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ कहा था कि 12वीं का रिजल्ट तय सीमा समय से भीतर तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस आधार पर होगा।